कुछ बोलिए मैम, आज के कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ग्रुप में पूछो, मार्च स्पेशल एपिसोड हो रहा है और बहुत खूबसूरत एपिसोड बन रहा है हमारा, और हमारा सेकंड एपिसोड जो नेक्स्ट होने वाला है वो मीनाक्षी जी आने वाली है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और अभी मार्च स्पेशल एपिसोड चल ही रहा है हमारा और बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम सभी लोग, और बहुत खूबसूरत चल रहा है। अरुणिता, आप हमेशा अपनी शोज की वजह से बाहर रहते हो, कई बार होता होगा मम्मा से फोन पे बात होती होगी, वीडियो कॉल हो जाता होगा, लेकिन कितना मिस करते हो एक्चुअल में, क्योंकि आप तो बचपन से यू नो यू आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू योर मदर। एक्चुअली क्या है, मैं मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, मतलब पापा से उतना नहीं है जितने मैं मम्मी और मेरे भाई से हूँ, मैं पापा उतना जताते नहीं है ना, मेरे को वैसा वाला है थोड़ा सा, तो बचपन से मम्मी के साथ ही रही हूँ मैं, और एकदम से अभी जब से आइडल हुआ है उसके बाद से मेरे को मुंबई में होना पड़ता है, तो हम सभी को मिस तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, जितना बोलूँगी करती हूँ कम होगा, केले केले बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मम्मी मिस कर। आपके फेस पर से दिखाई दे रहा है, कई बार आप बहुत इमोशनल होकर रो भी देती हैं, तो ऐसे में कैसे संभालती हैं, क्या मम्मी डांट लगाती है? कोशिश करती हूँ कि रो ना, फिर भी हो जाता है, मम्मी है। अच्छा, एक जो फैंस आए थे लास्ट टाइम आपके, बहुत तरीके से उसने बहुत अच्छे से आपने टैकल किया, कितना डिफिकल्ट और कितना इजी था ऐसे फैंस को टैकल करना? कुछ नहीं, सबसे पहले अरे मैम क्या हाल चाल है आपके, सबसे पहली बात फैंस जो भी आते हैं हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, आते हैं हमारी हमें सपोर्ट करने के लिए, इतनी खुशी से आते हैं, तो सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई आए हैं, आए थे मेरे लिए, और बस टैकल क्या करना है, रिस्पेक्ट देना होता है, उन्होंने दिया वही।